क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। देखो कितनी कितनी एडजस्टमेंट डाली हुई है मैंने इसमें, 13 एडजस्टमेंट। और मैं बार बार बोल रहा हूँ इतनी एडजस्टमेंट बोर्ड एग्जाम में नहीं आती, डरना नहीं है, सिर्फ 3 या 4 एडजस्टमेंट आती है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5। दे एग्री टू एडमिट सी एज पार्टनर हु इज टू गेट 1/6 शेयर इन प्रॉफिट विच ही एक्वायर्ड 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। तो 1/24 ए से लिया और 1/8 बी से लिया। तो ये क्या दे दिए गए हैं आपको डायरेक्ट, 1/24 और 1/8, ये आपके सेक्रीफाइजिंग शेयर हैं। अगर आप रेशियो निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, 1/8 को पहले आप 24 करोगे, तो 3 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे 8 को ताकि वो 24 हो जाए, और 3 से ऊपर करोगे तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो जो बनेगी आपके पास वो बनेगी 1:3। ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट तो बहुत छोटी सी है। क्रेडिटर, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जनरल रिजर्व, बिल्स पेबल। एसेट्स में कुछ हैं, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, कैश। ठीक है जी। सी ब्रिंग ₹3600 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। तो न्यू पार्टनर जो है वो गुडविल कैश में लेकर आया है, चलिए कुछ काम तो हल्का हुआ। अ क्रेडिट फॉर गुड्स ₹4800 हैड बीन ओमिटेड। ₹800 आपके क्रेडिटर जो हैं वो ओमिटेड हैं, तो वो आप नोट करेंगे। ए प्रोवाइड लोन ऑफ ₹10,000 टू बिजनेस कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। ए का मतलब है यहाँ पे मिस्टर ए, यानी जो पार्टनर है उसने लोन दिया है फर्म को, कितने का, 10,000 का, और कितने परसेंट के इंटरेस्ट पे, 15% के इंटरेस्ट पे आपको लोन मिला है। अब यहाँ पर जो हमें एडजस्टमेंट करनी है या जो ट्रीटमेंट करनी है वो लोन की करनी है, इंटरेस्ट की थोड़ी करनी है। अभी इंटरेस्ट तो अब अगले साल से ही स्टार्ट होगा, अभी हमें सिर्फ किसको कंसीडर करना है, लोन को, उसकी ट्रीटमेंट करनी है हमको। क्रेडिटर इंक्लूड अ लाइबिलिटी ऑफ ₹5,000। क्रेडिटर में एक लाइबिलिटी इंक्लूड है 5,000 की, जिसको आपने सेटल कर लिया 3,000 पे, तो 2,000 का मुनाफा हो गया। किसी को हमें 5,000 देने थे, कोई हमारा क्रेडिटर था 5,000 से, हमने उसको 3,000 में मना लिया, हमने उसे 3,000 दिए, बाकी 2,000 उसने माफ़ कर दिए। कितना अच्छा आदमी है, हमारा 2,000 का फायदा कर गया। फॉलोइंग डेब्ट्स प्रूव्ड बैड, तो ये एडजस्टमेंट नहीं है। ये दो तरह के डेब्ट्स दिए हुए हैं आपको जो कि बैड डेब्ट हो गए। पहला 2,000 लेने थे एक्स से, बैड टू फुल एक्सटेंट, पूरा का पूरा बैड डेब्ट हो गया। दूसरा 4,000 ड्यू थे वाई से, एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 50%, और कितने मिलने की उम्मीद है, सिर्फ 50%, यानी 2,000 पहले में नुकसान पूरा और 2,000 दूसरे में नुकसान 50%, टोटल बैड डेब्ट 4,000 का। स्टॉक अंडर वैल्यूड है 10% से, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगी। इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय बी एट देयर मार्केट वैल्यू ऑफ 4,500। ऊपर आप देखोगे आप पाओगे इन्वेस्टमेंट 5,000 की है, उसको कौन ले जा रहा है, मिस्टर बी ले जा रहा है, लेकिन लेकर कितने पे जा रहा है, 4,500 पे, तो ₹500 नुकसान हो रहा है, पहले ₹500 कम करने हैं आपको। नो कंपनसेशन इज पेबल टू वर्कमैन, वर्कमैन को किसी प्रकार की कोई कंपनसेशन पेबल नहीं है, तो पूरा वर्कमैन कंपनसेशन फंड आपका रिजर्व है, आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। प्लांट एंड मशीनरी आर वर्थ लेस 10% लेस देन द बुक वैल्यू। प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो बुक वैल्यू से 10% कम पाई गई है, यानी आपको 10% घटानी है। हाफ ऑफ जनरल रिजर्व इज विड्रॉन बाय पार्टनर, आधा जनरल रिजर्व ड्रॉइंग में चला गया। सी एग्री टू ब्रिंग 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी इन द न्यू फर्म। तो सी जो है वो 1/5 लाएगा, किसका, कंबाइंड कैपिटल का, टोटल कैपिटल का नहीं, कंबाइंड कैपिटल का न्यू फर्म का। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है। चलिए आंसर नंबर 50। रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले, पर्टिकुलर्स,
अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बड़ा रखेंगे क्योंकि काफ़ी सारी एडजस्टमेंट है। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स, पार्टनर का नाम अगेन ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी। बैलेंस शीट लाइबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट। चलिए जी शुरू करेंगे हम लोग रिवैल्यूएशन के ट्रीटमेंट से। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेंथी जरूर है, वो भी रिवैल्यूएशन की एंट्रीज की वजह से। पहली एंट्री अ क्रेडिट फॉर गुड्स 800 हैड बीन ओमिटेड टू क्रेडिट फॉर गुड्स 800 रुपये। क्रेडिटर में भी ऐड कर सकते हो आप इसको, मैं अलग से शो करूंगा। मैं क्यों क्रेडिटर में ऐड नहीं करता सर? क्योंकि मुझे आगे पता नहीं हो सकता क्रेडिटर में और कोई एडजस्टमेंट भी हो, तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है उस चीज़ का, तो इसलिए मैं उसको अलग से दिखा देता हूँ। क्रेडिट फॉर गुड्स 800 रुपये। अब प्रोवाइड लोन, 10,000 का लोन प्रोवाइड किया था, ये रिवैल्यूएशन की एंट्री नहीं है। इसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई नुकसान नहीं हो रहा, कोई एसेट्स की वैल्यू रिवैल्यू नहीं हो रही, कोई लाइबिलिटी रीअसेस नहीं हो रही, इसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है। क्रेडिटर में इंक्लूड है एक लाइबिलिटी 5,000 की, जिसको सेटल कर दिया गया 3,000 में। ठीक है जी, अब इसको ध्यान से देखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्रेडिटर, ध्यान से समझिएगा प्लीज़। और क्रेडिटर जो मैं लिख रहा हूँ, तो क्रेडिटर थे कितने मेरे पास, 20,000 के। इस 20,000 में से मैं लेस कर दूंगा जो मेरे पेड हो गए या सेटल हो गए। सेटल कितने के हुए हैं, 5,000 के। भले ही आपने उनको 3,000 पे किया हो, लेकिन सेटल तो 5,000 वाले हो गए ना, ख़त्म तो 5,000 वाले हो गए ना। बाय क्रेडिटर 2,000 से कम हुए ना, 2,000 का फ़ायदा हुआ। मैं इस क्वेश्चन में ना वर्किंग नोट में साथ के साथ बैंक अकाउंट भी बना रहा हूँ, बैंक या कैश जो भी गिवन है उसको उठा लो, कैश को उठा लो। कैश अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। डन। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस कितना है कैश का, 19,000। अब जो जो एडजस्टमेंट है, जैसे यहां पर आपने क्रेडिटर को पे किया, तो बाय क्रेडिटर कितना पे किया, 3,000 में सेटल किया, तो आपने 3,000 पे किया, तो हमने वो कम कर दिया डायरेक्ट। अब मैं थर्ड एंट्री भी कर ही देता हूँ, हालांकि वो रिवैल्यूएशन से नहीं है। 10,000 का आपको एक लोन दिया मिस्टर ए ने, तो आपके पास एक तरीके से कैश तो आ गया ना, टू एज लोन 10,000, और आप इसे अपनी लाइबिलिटी भी शो कर देंगे, एज लोन 10,000। एक तो आपकी लाइबिलिटी, आपकी मतलब फर्म की लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, दूसरा फर्म को कैश मिला है, तो फर्म का कैश भी इंक्रीज हो गया। रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है।
ये कुछ डेटर्स हैं जो कि बैड डेब्ट हो गए, 2000 इसके, 2000 इसके और 2000 ही इसके, क्योंकि ये 50% है, तो टोटल 4000 आपके बैड डेब्ट्स हो गए 30000 में से। तो आप यहाँ शो करेंगे डेटर्स 30000 लेस बैड डेब्ट 4000, कितना आ गया 26000। और इधर आप शो करेंगे टू बैड डेब्ट 4000, टू बैड डेब्ट 4000, 4000 के बैड डेब्ट हो गए। ठीक है जी, ये भी हो गया। स्टॉक अंडर वैल्यूड है 10% से, इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। मैंने आपको बताया था अंडर वैल्यूड का क्या मतलब है, कम है। तो लेट से टोटल जो स्टॉक की कॉस्ट है वो एक्स है, एक्चुअल कॉस्ट बढ़िया वाली जो एक्चुअल है, नॉर्मल एक्चुअल है, वो एक्स रख ली हमने। और अब जो आपको गिवन है वो इसका 10% कम है, यानी आपको जो गिवन है वो इसका 90% गिवन है। गिवन कितना है स्टॉक 18000, तो आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे 18000 इंटू 10 बाय 9 20000। तो स्टॉक की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 20000 है, बट आपने उसको 10% कम करके 18 पे दिखाया हुआ है, तो आप उसे इंक्रीज कर देंगे कितने से 2000 से, बाय स्टॉक आपने 2000 से इंक्रीज कर दिया। और अब जो स्टॉक आप यहाँ दिखाएंगे 18 पहले था, 2000 से इंक्रीज कर दिया, तो कितना हो गया 20000 हो गया आपके पास। डन, स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया 10% से। अब आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय बी एट देयर मार्केट वैल्यू ऑफ ₹4500 अगेंस्ट कैश पेमेंट। इस लाइन को ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट को कौन ले गया, बी ले गया, वो भी कितने पे लगाकर 4500। पहले कितना गिवन है, पहले गिवन है आपको 4500 गिवन है, पहले गिवन है आपको 5000, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है 4500, तो उसको भी कौन ले गया, कौन ले गया बी ले गया, और वो भी कैश दिया है उसने। तो देखो जी, सबसे पहले तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करोगे ₹500 से, टू इन्वेस्टमेंट ₹500 से कम कर दिया आपने। अब इसको ले जाओ, इन्वेस्टमेंट को ख़त्म कराओ 4500 पे, और उसके बदले आपको कैश मिल रहा है। कैपिटल से एडजस्ट नहीं होगा क्योंकि वो आपको कैश दे रहा है, अगर वो आपको कैश नहीं दे रहा होता तब आप उसको कैपिटल से एडजस्ट करते। वर्कमैन को कोई कंपनसेशन पेबल नहीं है, तो पूरा 20000 आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरा 20000 आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर होल्ड रेशियो 7:5, अच्छा बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड 20000 7:5 11667833। डन, ये आपने वर्कमैन कंपनसेशन फंड बांट दिया। इसके बाद नो कंपनसेशन पेबल होगी वर्कमैन को। प्लांट एंड मशीनरी आर वर्थ 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू। प्लांट एंड मशीनरी को आपको कम करना है 10% से कम करना है, है कितना 18000, तो 1800 से कम कर देंगे। टू प्लांट एंड मशीनरी 1800 से आपने कम कर दिया, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी 18000 माइनस 1800 16200, 18000 माइनस 1800 16200। डन, आधे जनरल रिजर्व को विड्रॉन किया गया है पार्टनर्स के द्वारा। तो जब आप जनरल रिजर्व को विड्रॉन करोगे तो वो आपकी क्या है, ड्रॉइंग की एंट्री है। पहले तो आप क्या करेंगे, आप जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है कितना जनरल रिजर्व 3000,
3000 को बांट दीजिए 2 7 1750 एंड 1250। ये आपने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसमें से हाफ जो है वो विड्रॉन कर लिया ओल्ड पार्टनर ने, जस्ट लाइक ड्रॉइंग। तो वो आपकी सिंपल ड्रॉइंग है और कुछ नहीं है, इसका हाफ विड्रॉन करा लो। 1750 का हाफ 875, 1250 का हाफ 625, 625 जी। और इतना ही कैश आप कम कर लोगे अपने कैश अकाउंट से बाय एस कैपिटल, या बाय ड्रॉइंग भी लिख सकते थे आप, बाय बीस कैपिटल 875, 625। पहले जो जनरल रिजर्व है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया जो जनरल रिजर्व टोटल है। अब कहता है उसमें से आधा जो है वो पार्टनर्स ने विड्रॉन कर लिया। मैंने आपको बताया चाहे पार्टनर्स गुडविल विड्रॉन कर रहे हैं, चाहे वो जनरल रिजर्व विड्रॉन कर रहे हैं, वो कुछ और नहीं है, वो सिर्फ एक ड्रॉइंग्स हैं। तो वो ड्रॉइंग आपको रखनी है। डन। अब यहां तक हो गया, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करते हैं। पहले अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करते हैं। 4800 + 500 + 1800 7100 डेबिट हो गया, माइनस 2 2 4000 3100 आपका लॉस आ गया। बाय लॉस बैलेंसिंग फिगर 7:5 ए बी 1808 1292 आपका रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी आपके पास 15 और 20 15000 और 20000 आपका बैलेंस बीडी हो गया। बिल्कुल जी। कोई और डिस्ट्रीब्यूट होने वाला आइटम? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लग रहा। ठीक है, और कुछ नहीं लग रहा। डेटर्स भी हम कर चुके हैं ना? हाँ, डेटर्स भी हम कर चुके हैं। ठीक है, अब ये जो पहली एंट्री है ये रह गई है। सी जो है वो 3600 रुपये अपनी गुडविल लाया था, तो उसकी भी ट्रीटमेंट आप कर सकते हो बाय प्रीमियम न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन है। बाय प्रीमियम सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने आपको बताई थी, ये रही 1:3 आपको क्वेश्चन में गिवन थी। 3600 / 4 900 and 2700 ₹900 ए को मिल जाएगा प्रीमियम और बी को मिल जाएगा 2700 बाय कैश। वो कैपिटल कितनी लाएगा वो तो हमें चेक करना पड़ेगा, ए और बी की कैपिटल निकाल कर उसका कंबाइंड करके हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले मैं ए का करता हूँ, 15000 + 900 11667 1750 29317 -875 -1808 266 34 बैलेंस सीडी आ गया। 20000 + 2700 8333 1250 32283 -625 -1292 30366 ये आपकी आ गई। अब आपको निकालनी है सी की कंबाइंड कैपिटल करके, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ सीज कैपिटल। सीज कैपिटल कैसे निकलेगी आपको बताया था लास्ट एडजस्टमेंट में, सी एग्री टू ब्रिंग 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। तो एज क्लोजिंग कैपिटल
बीस क्लोजिंग कैपिटल उसका कितना शेयर के लिए आया था, 1/5। कितने के लिए भी आया हो, लाया 1/5 है, तो ए की कैपिटल 26634 बी की कैपिटल 30366 उसका 1/5 11400 इसकी कैपिटल आ रही है जो कि ये लाया होगा। 11400 से एंट्री करो यहाँ पर, यही आपका बैलेंस सीडी बन जाएगा सी के लिए, और कैश अकाउंट में आप 11400 ऐड कर दोगे जो कि सी लाया, टू सीज कैपिटल, और प्रीमियम भी आएगा यहाँ पे, वो भी वो कैश में लाया था 3600 रुपये। कैश अकाउंट को बंद करेंगे, 4500 प्लस 10000 प्लस 19000, 48500, 48500 माइनस 3000, 875 माइनस 625, 44000 का आपका बैलेंस आ गया बाय बैलेंस सीडी। ओपनिंग बैलेंस था कैश का 19000, ए ने लोन दिया 10000 वो आए, 45 अपने इन्वेस्टमेंट बेची वहां से आए, सी जो है वो कैपिटल लाया 11400, सी जो है वो प्रीमियम लाया 3600। गए कहाँ कहाँ, आपने क्रेडिटर को पेमेंट किया 3000 का, ए और बी ने विड्रॉ किया 875 625, बाकी आपका बैलेंस बच गया 44000। वर्किंग नोट, कैपिटल अकाउंट ए बी सी 26634 30366 11400, 26634 30366 11400 68400। चेक करो कोई आइटम रह तो नहीं गया, वर्कमैन कंपनसेशन आएगा नहीं, जनरल रिजर्व आएगा नहीं, क्रेडिटर डाल चुके हैं, बिल्स पेबल रह गए 12000 के, तो बिल्स पेबल को भी नोट कर लो 12000। प्लस 10800, 15000 और 12000, लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 106 200 माइनस, इस साइड को माइनस करो, ठीक है जी, तो ये आपका टैली हो गया 106। कितनी ही बड़ा क्वेश्चन हो, कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, कितना लेंदी हो, कितनी एडजस्टमेंट्स हो, आप हर एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग अगर डबल इफेक्ट देते हुए चल रहे हो तो बहुत कम चांसेस है कि आपकी बैलेंस शीट मैच ना हो, जो मैं कर रहा हूँ, हर एडजस्टमेंट को पकड़ो उसका डबल इफेक्ट करते चलो, बस आखिरी में अपने आप मैच हो जाएगा।